इसको कंप्लीट कर देते क्योंकि थोड़ा सा बचा हुआ तो फंसा हुआ रहेगा, इससे अच्छा इसको कंप्लीट कर देते। यहां तक हम लोग देखे थे प्राइम मिनिस्टर पीएमआरवाई योजना के बारे में देखे थे। पीएमआरवाई 1993 में आया था और इसका पर्पस क्या था कि रूरल एरिया में जो एजुकेटेड पीपल हैं उस एजुकेटेड पीपल को रोजगार दिया जा सके। हम लोग पढ़े थे इसके बारे में। दे आर हेल्प टू द सेटिंग ऑफ स्मॉल बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज, यानी कि छोटे मोटे इंडस्ट्री छोटे मोटे बिजनेस को कर सके, इसके लिए ये योजना को लाया गया था। फिर हम लोग ये भी देखे थे REGPY भी देखे थे, REGP रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम भी देखे थे जो 1995 में लाया गया था, और इसका भी पर्पस वही था। बस दोनों में अंतर ये हो जाता है कि ये जो था ये स्पेशली किसके लिए था, तो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए था, जबकि ये किसके लिए था, तो REGP किसके लिए था, तो ये भी है अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए ही था। लेकिन यहाँ पर क्या है ना कि एजुकेशन का बात नहीं किया गया, ठीक है, ये रूरल और अर्बन एरिया दोनों के लिए था। उसके बाद इसमें सेट किया गया था कि लगभग 25 लाख जो है वो रोजगार दिया जाएगा सरकार के द्वारा। फिर उसके बाद देखो क्या हो गया, नेक्स्ट पॉइंट में क्या कहता है, सुनो आगे कहता है ना, इसी से रिलेटेड पॉइंट ही है ये भी। इसमें कहता है कि कहां पे जब 10th 5-year plan आया था तो उसके अकॉर्डिंग ये काम किया गया था। फिर उसके बाद एक प्रोग्राम है जिसका नाम है SGSY, स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना जो लॉन्च हुआ ये 1999 में इसको लॉन्च किया गया, 1999 में लॉन्च किया गया। एंड द प्रोग्राम एम्स टू ब्रिंग द असिस्ट टू पुअर फैमिलीज अबव द पॉवर्टी लाइन, इज ऑर्गेनाइज देम इनटू सेल्फ हेल्प ग्रुप थ्रू द मिक्स ऑफ बैंक क्रेडिट एंड गवर्नमेंट टू सब्सिडी ऑफ एक मिनट, एक ये तो अलग प्रोग्राम ही हो गया, तो इसको समझे। यहाँ पे कहता है स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना का मेन प्रोग्राम क्या था, तो इसका मेन प्रोग्राम था स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना का एम था कि इसके द्वारा जो पुअर फैमिली है जो पॉवर्टी लाइन के ऊपर है उनके लिए क्या करना, सेल्फ हेल्प ग्रुप बना करके उसके लिए पैसा अवेलेबल करवाना। फिर समझो क्या बोला गया, जो रूरल एरिया में पुअर पीपल हैं उन प्योर पुअर पीपल को बोला गया कि आप एक अपना क्या बना लीजिए, ग्रुप बना लीजिए। उस ग्रुप का नाम रखा गया SHG, इसको बोलते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप टाइप का, समझ लो। सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होगा कि उसको जो है बैंक पैसा देगी, है ना, सब्सिडी देगी, क्रेडिट देगी, और वो क्या कर सकते हैं, आप अपना कोई भी छोटा मोटा बिजनेस करने के लिए पैसा ले सकते हैं। फिर उसके बाद देखोगे SGSY के बाद दूसरा एक प्रोग्राम है जिसका नाम है PMGY, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। इसको लाया गया 2000 ईस्वी में, इसको लाया गया 2000 में, और इसका पर्पस क्या था, तो इसका पर्पस था कि गांवों को खास करके जो रूरल एरिया होता है उस रूरल एरिया के हेल्थ को, एजुकेशन को, और साथ ही साथ रूरल एरिया शेल्टर को, ड्रिंकिंग वाटर को, यानी कह सकते हो, या फिर इलेक्ट्रिफिकेशन करने को, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जनरेट करने के लिए जो सुविधा होगी वो, ये सारे स्पेशली अवेलेबल करवाए जाएंगे PMGY के माध्यम से। PMGY के माध्यम से रूरल एरिया में ये क्या होगा, ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये प्रयास किया जाएगा। फिर एक और प्रोग्राम है जिसका नाम है AAY, जिसको बोलते हैं हम लोग अंत्योदय अन्न योजना। इस अंत्योदय अन्न योजना का पर्पस है कि एकदम जो पुअरेस्ट फैमिली वाले लोग हैं उनके लिए अनाज सस्ता अवेलेबल करवाना था, अनाज जो है वो सस्ता अवेलेबल कराने का पर्पस दिया गया था। तो एक बार हम सबको सम अप करते हैं, थोड़ा ध्यान से सुन लेना कौन कौन सा हम लोग अभी तक पढ़े हैं, एक मिनट रुक जाओ बताते हैं अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़ लिया है। देखो सबसे पहला हमारा हो गया जिसको बोले थे हम लोग, क्या नाम था पहले, मनरेगा। मनरेगा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 में इसको लाया गया था। इसका पर्पस था 100 दिन का रोजगार देना, है ना, जो पुअर पीपल हैं उनको क्या करना, 100 दिन का रोजगार देना। और उसमें तुमको बताए थे कि अगर किसी भी प्रोग्राम में गारंटी वर्ड लगा हुआ है मतलब तुम इसका कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कर सकते हो, यानी संवैधानिक रूप से तुम इसका उपचार ले सकते हो। अगर तुमको 100 दिन का रोजगार नहीं मिला, बदले में तुमको 100 दिन का पैसा मिलेगा चाहे वो जैसे मिले। ये मनरेगा था, पहले इसका नाम बता दिए थे तुम लोगों को कि नरेगा था, बाद में इसका नाम मनरेगा कर दिया गया था।
लगभग लगभग भारत के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं इन सबों में ये चलाया जा रहा है। दूसरा प्रोग्राम लाए थे, दूसरा प्रोग्राम के बारे में हम लोग पढ़े थे, PMRY, प्रधानमंत्री ग्राम सॉरी प्राइम मिनिस्टर, इसको बोलते प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना। इसको शुरू किया एडुकेटेड जो यूथ पीपल हैं, एडुकेटेड यूथ पीपल हैं, उस एडुकेटेड यूथ पीपल को, खास करके जो रूरल एरिया में रह रहे हो या फिर स्मॉल टाउन में रह रहे हो, उनके लिए ये प्रोग्राम लाया गया था कि वो अपना छोटा मोटा बिजनेस सेटअप कर सके, इसके लिए प्रोग्राम हो गया। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं, नेक्स्ट हो जाता है REGP, नेक्स्ट हमारा प्रोग्राम हो जाता है REGP, REGP रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, इसको लाया गया 1995 में। इसका भी पर्पस वही था कि सेल्फ आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं, और साथ ही साथ आपको क्या होगा कि बदले में सरकार पैसा अवेलेबल कराएगी। हाँ, बशर्ते इसमें क्या किया गया कि एजुकेशन का जिक्र नहीं किया गया इसमें, कोई भी रूरल एरिया में या अर्बन एरिया में रहने वाले लोग जो हैं या स्मॉल टाउन में रहने वाले लोग, वो अपना खुद से बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। इसके लिए लगभग कहा जाता है कि 25 लाख न्यू रोजगार क्रिएट करने के लिए सरकार ने इस योजना को लाया था। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे जब बढ़ते तो फिर हमारे पास एक प्रोग्राम आता है जिसका नाम है SGSY, यानी स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना। ये स्वर्ण जयंती स्वरोजगार ग्राम स्वरोजगार योजना 1999 में लाया गया। इसका मतलब था कि जो पुअर फैमिली है, जो बिल्कुल पुअर फैमिली है, जो अबव बिलो पॉवर्टी लाइन है, यानी कि थोड़ा सा मतलब क्या बोलो गरीबी रेखा से ऊपर भी है, उन सबों को बोला गया कि आप अपना एक ऑर्गेनाइज ग्रुप बनाइए जिसका नाम SHG रखा जाएगा, सेल्फ हेल्प ग्रुप, और उस ग्रुप के नाम से सरकार क्या करेगी, आपको पैसा देगी, और अगर आप 10 आदमी हैं तो 10 आदमी उस ग्रुप के पैसे को बांट लीजिए ताकि आप लोग अपने डेवलपमेंट के पर्पस से उस पैसे का यूज कर सके। ये लाया गया SGSY। फिर उसके बाद हम लोग आगे चलते थे, फिर आया PMGY, इसको लॉन्च किया गया 2000 ईस्वी में। इसका पर्पस था कि पूरा गांव वाले एरिया को, यानी रूरल एरिया को डेवलप करना, और रूरल एरिया को डेवलप करने का सेंस हो गया उसके एजुकेशन सिस्टम को बढ़ाना, हेल्थ सिस्टम को बढ़ाना, है ना, उसके अलावा शेल्टर फैसिलिटीज अवेलेबल कराना, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कराना, ड्रिंकिंग वाटर वगैरह। तो एक गांव को कैसे बेहतर किया जा सकता है, इसके लिए प्रोग्राम लाया गया था PMGY। और लास्ट किसी को कोई दिक्कत, आदर्श आदित्य अमृता, किसी को कोई दिक्कत, अनिशा गुप्ता, अंशिकांशु, नो सर, अपूर्व, आयुष, अर्णव, दिव्या, खुशबू, नो सर, नो सर, ठीक है, नुरेन, मान्या, अनुकुल, नो सर, नीरज, नो सर, निखिल, नो सर, चलो ठीक है, पल्लव, इधर पूजा, नो सर, चलो किसी को दिक्कत नहीं है, प्रिया, पूजा, नाइन्थ, एक और जो है, या राहुल, रोशन, कोई दिक्कत नहीं किसी को, सौरभ, नो सर, शूरा, सुशांत, त्रिशला, सुरभि, विवेक, कोई दिक्कत नहीं किसी को, नो सर, चलो गुड, चलो तो हम लोग आगे चलते हैं इसमें, नेक्स्ट चैप्टर पे, मतलब नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है तुम्हारा इसमें, द रिजल्ट ऑफ दिस प्रोग्राम हैव बीन मिक्स्ड, यानी कि ये सारे का रिजल्ट ऐसा रहा कि मिक्स्ड रहा, मिक्स मतलब समझ रहे होगे, मिक्स का मतलब हो गया कि ये सारे जितने भी थे इन सब का रिजल्ट पॉजिटिव नेगेटिव दोनों रहा, और वन ऑफ द मेजर रीजन दैट लेस इफेक्टिव एंड लैक ऑफ द ऑफ टू द प्रॉपर इंप्लीमेंट ऑफ राइट टारगेटिंग मूविंग हैव बीन लॉट ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ दिस स्कीम डिस्पाइट गुड इंटेंशन बेनिफिट्स हैव बीन टू स्कीम इज नॉट फुली रीच टू द सर क्लाइमेट चैप्टर यूट्यूब पे होगा ना, क्लाइमेट यूट्यूब पे होगा ना,
एक मिनट, अच्छा हम इसको बताते हैं तुमको, अभी बाद में बताते हैं, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं फिर क्लाइमेट पे बात करते हैं, ठीक है। क्या पूछा? रिचेस्ट कंट्री कौन सा है और किस वजह से? देखो रिचेस्ट का मतलब क्या होना चाहिए ना, कि रिचेस्ट के लिए हम लोग कई रैंक प्रोवाइड करवाते हैं, कई बेस पे हम लोग रिचेस्ट का टर्म यूज करते हैं। कई बार हम नेशनल इनकम के बेस पे करते हैं, कई बार पर कैपिटा इनकम के बेस पे करते हैं, कई बार एचडीआई के बेस पे करते हैं, तो सबका बेस अलग अलग हो जाता है। और अगर नेशनल इनकम पर कैपिटा इनकम के बेस पे देखा जाए तो यूएस नंबर 1 पे रहता है, नंबर 1 पे, क्योंकि उसका और सबसे बड़ा जो है हम लोग जीडीपी के बेस पे सबसे बड़ा हम लोग कंट्री को मेजर करते हैं, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है जीडीपी, और जीडीपी के बेस पे सबसे बड़ा कंट्री है यूएसए, ठीक है। तो अगर अमीर देश में देखा जाए तो नंबर 1 पे यूएसए, क्योंकि यूएस की सबसे ज्यादा जीडीपी सबसे ज्यादा उसी का, और साथ ही साथ पर कैपिटा इनकम और नेशनल इनकम भी सबसे ज्यादा उसी का है। और कोई दिक्कत? चले, द रिजल्ट ऑफ दिस प्रोग्राम हैव बीन मिक्स्ड। वन ऑफ द मेजर रीजन दैट लेस इफेक्टिवनेस इन द लैक ऑफ द प्रॉपर इंप्लीमेंटेशंस एंड द राइट टारगेटिंग मूवर, देयर हैव बीन द लॉट ऑफ ओवरलैपिंग स्कीम्स। यानी सिंपल सा बात ये समझोगे कि द रिजल्ट ऑफ दिस प्रोग्राम हैव बीन मिक्स्ड, यानी इसका जो जितना भी ये प्रोग्राम चलाया गया उस प्रोग्राम का रिजल्ट ऐसा भी नहीं हुआ कि फुल पॉजिटिव आया, ऐसा भी नहीं हुआ कि सिर्फ निगेटिव आया, यानी कि मिला जुला ये रिजल्ट इसका रहा। और कई मतलब प्रोग्राम में एक अच्छा अटेंशन दिलवाने का लोगों का प्रयास किया गया, लोगों को एक बेहतर सुविधा देने की प्रयास की गई, और मेजर एम्फेसिस द रिसेंट ईयर दैट प्रॉपर मॉनिटरिंग ऑफ द ऑल पॉवर्टीज एलिवेशन प्रोग्राम। और ये सब जितने भी प्रोग्राम पर रहे थे हम लोग, जो भी प्रोग्राम पर रहते थे, सबों का पर्पस था कि कैसे पॉवर्टी को कम किया जा सके, है ना, सबका पर्पस यही था, है ना, कैसे कम से कम पॉवर्टी किया जा सके, है ना। और प्रोग्राम ये पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम को ये सब का पर्पस ही था कि गरीबी को कम से कम किया जा सके। तो शायद इसको समझने में दिक्कत नहीं होगा, कुछ ऐसा बात और था नहीं। द चैलेंजेस अहेड पढ़ते हैं, अभी भी हमारे पास क्या क्या चैलेंजेस है उसके बारे में हम लोग पढ़ने का प्रयास करते हैं। पॉवर्टी हैज सर्टनली डिक्लाइन इन इंडिया, इसमें नो डाउट कि इंडिया में पॉवर्टी हमें डिक्लाइन होते हुआ दिखा था, पॉवर्टी धीरे धीरे डिक्लाइन कर रहा है, इसमें नो डाउट। बट डिस्पाइट दिस प्रोग्रेस पॉवर्टी रिड्यूशन रिमेन्स इंडिया मोस्ट कंप्लेनिंग चैलेंज, लेकिन अभी भी हमारे लिए ये एक सबसे बड़ा चैलेंज बना हुआ है, पॉवर्टी अभी भी हमारे लिए क्या बना हुआ है, चैलेंज बना हुआ है। वाइड डिस्पेरिटीज इन पॉवर्टी ऑल्सो विजिबल बिटवीन रूरल एंड अर्बन एरिया एंड अमंग डिफरेंट स्टेट। अभी भी क्या देखोगे कि पॉवर्टी जो है उसमें बहुत बड़ा हमें डिस्पेरिटीज देखने को मिल रहा है, यानी कोई राज्य अभी भी बहुत गरीब है, कोई स्टेट राज्य अभी भी अमीर, बहुत अमीर होते चला जा रहा है। लोगों के बीच में तो डिफरेंस है, साथ ही साथ हमें स्टेट में भी ये डिफरेंस देखने को मिलता है, रूरल और अर्बन बेस पे हमें ये डिफरेंस देखने को मिलता है। तो कई बेस पे हम लोग अभी भी इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा खाई बनाए हुए है। सर्टेन सोशल एंड इकोनॉमिक ग्रुप्स आर मोर वल्नरेबल्स, देखोगे कि सोशल और इकोनॉमिक ग्रुप्स भी हमारे हैं, जो कई ऐसे भी हैं जो पूरी तरीके से वल्नरेबल्स में आ जाते हैं। पॉवर्टी रिड्यूशन इज एक्सपेक्टेड टू मेक अ बेटर प्रोग्रेस इन द नेक्स्ट 10 to 15 ईयर, ऐसा अनुमान लगाया गया कि आने वाले 10 से 15 साल में पॉवर्टी की एक अच्छी स्थिति हो सकती है। एंड दिस वुड बी टू पॉसिबल मेनली ड्यू टू द हायर इकोनॉमिक ग्रोथ, और ये तभी हो सकता है जब हायर इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, जब इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा होगा तभी ये संभव हो सकता है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। इंक्रीजिंग स्ट्रेस ऑन यूनिवर्सल फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन, हम इस पे फोकस करना पड़ेगा पहले कि अधिक से अधिक बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा दी जा सके। साथ ही साथ डिक्लाइन पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन ग्रोथ पे हमें कहीं ना कहीं काम करना पड़ेगा, पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल करना पड़ेगा। यानी पॉपुलेशन ग्रोथ अगर मान लो बहुत पॉजिटिव में चलते चला जाएगा तो पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ने की वजह से क्या होगा कि डेवलपमेंट हमारा रुक जाएगा। साथ ही साथ एजुकेशन के साथ साथ हमें पॉवर्टी पॉपुलेशन और साथ ही साथ एम्पावरमेंट पे भी फोकस करना पड़ेगा वुमेन को स्पेशली,
क्योंकि वुमेन जब तक अवेयर नहीं होगी, वुमेन में जब तक एजुकेशन नहीं होगा, वुमेन एम्पावरमेंट नहीं होगा, तब तक हमारा सोसाइटी जो है वो वीक ही रहेगा सोशली और इकोनॉमिकली। और जब तक सोसाइटी सोशली और इकोनॉमिकली वीक रहेगा, तब तक पॉवर्टी जैसे साइकिल से बाहर हम लोग नहीं निकल सकते। तो तुमसे अगर पूछेगा कि पॉवर्टी के साइकिल से बाहर निकलने के लिए या पॉवर्टी को कम करने के लिए हम क्या क्या मेन चीज कर सकते हैं, तो ये तुम्हारे पास उपाय है। सबसे पहला उपाय होगा कि यूनिवर्सल फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन सबके लिए आप शिक्षा प्रोवाइड करवाइए। डिक्लाइन पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन ग्रोथ को डिक्लाइन कीजिए। इंक्रीज एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन एंड और वुमेन का इकोनॉमिकली और सोशली जो वीक है उनको डेवलप करने की जरूरत है, उन्हें सुधारने की जरूरत है। अगर ये सारे चीज में हम पॉजिटिव हो जाते हैं तो दूर दूर तक नो डाउट कि हम लोगों का पॉवर्टी कहीं ना कहीं खत्म हो सकता है। द ऑफिशियली डेफिनेशन ऑफ पॉवर्टी हाउएवर टू कैप्चर ओनली लिमिटेड पार्ट्स ऑफ व्हाट पॉवर्टी रियली मींस पीपल इट इज अ मिनिमम। देखो एक पॉवर्टी का मतलब क्या होना चाहिए या पॉवर्टी का मतलब क्या होता है, तो जो तुम्हारा मिनिमम रिक्वायरमेंट है ना, जो बेसिक नीड्स है, जो आदमी बेसिक नीड को भी नहीं फुलफिल कर पा रहे पॉवर्टी के मतलब क्या बोलो एक तरीके से कैटेगरी में उन्हीं को हम लोग रखते हैं। तो कम से कम हमारा जो पहला पर्पस होना चाहिए कि बेसिक नीड सब आदमी का फुलफिल होना चाहिए, और उसके साथ ही साथ सस्टेनेबल टू द लिविंग देन टू रीजनेबल लेवल फॉर द लिविंग, और साथ ही साथ सबको एक बेहतर सुविधा भी अवेलेबल होनी चाहिए, तभी तो ये खत्म हो सकता है। मेनी स्कॉलर एडवोकेट दैट मस्ट ब्रॉडन टू कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन पॉवर्टी। अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल मे हैव बीन एबल टू फीड देमसेल्फ, वो खुद से एबल है कि वो काम भी कर सकता है और खुद से अपना वो जितना भी इनकम है उसको जनरेट कर सकता है। बट डू दे हैव एजुकेशन, क्या उनके पास शिक्षा है, क्या उनके पास शेल्टर है रहने का जगह, हेल्थ केयर है, क्या जॉब सिक्योरिटी है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, आर दे फ्री फ्रॉम द कास्ट एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, क्या वो कास्ट और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो हो रहा है क्या उससे ये फ्री है। इन द प्रैक्टिस ऑफ चाइल्ड लेबर स्टिल कॉमन, और देखोगे चाइल्ड लेबर अभी भी कॉमन है। वर्ल्ड वाइड एक्सपीरियंस सो दैट विद द डेवलपमेंट द डेफिनेशन व्हाट इज कंस्टिट्यूट द पॉवर्टी ऑल्सो चेंज। समय के साथ में पॉवर्टी के मेजरमेंट, तुमको बताया था उस दिन भी बताया था, पॉवर्टी का मेजरमेंट भी समय के साथ क्या होता है, परिवर्तित होता है, देश के साथ पॉवर्टी का जो है मेजरमेंट वो चेंज होता है। तो इसमें भी हमें वही चीज करना पड़ेगा, है ना, कि पॉवर्टी को कहीं ना कहीं कम करने के लिए हमें फोकस करना पड़ेगा एजुकेशन सिस्टम को, कास्ट सिस्टम के बेस पे जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उसको कम करना पड़ेगा। लोगों को जब तक आप एजुकेशन प्रोवाइड नहीं कराओगे तब तक लोगों की मानसिकता नहीं बदलेगी, और जब तक मानसिकता नहीं बदलेगी तब तक हमारे सोसाइटी में ये सारी जो बीमारियां हैं वो खत्म नहीं हो सकती, और जब तक ये सब बीमारी खत्म नहीं होगी तब तक पॉवर्टी को हम कभी भी खत्म नहीं कर सकते। इराडिकेशन ऑफ पॉवर्टी इज ऑल्सो मूविंग टारगेट, ये हमारे लिए अभी भी टारगेट बना हुआ है। इराडिकेशन का मतलब होता है खत्म करना, कम करना, ये अभी भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है। होपफुली वी विल बी एबल टू प्रोवाइड मिनिमम नेसेसरी, लेकिन हम लोग कम से कम प्रयास कर रहे हैं कि मिनिमम नेसेसरी जो हमारा है उसको हम पूरा कर सकें, और आने वाले जो नेक्स्ट डिकेड्स है, हालांकि वो डिकेड्स तो चला गया जिस डिकेड्स का ये बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मान लो 1930 तक हम लोग टारगेट रखें, इस डिकेड में जिसमें हम लोग चल रहे हैं उस डिकेड में कम से कम कंप्लीट कर लें। टारगेट तक भले ना पहुंचे लेकिन लगभग लगभग टारगेट के भी पहुंच लगभग करीब पहुंच जाएंगे तो बहुत ही एक उपलब्ध है। टारगेट एजुकेशन भी बहुत उस तरीके का सुविधा है नहीं, जॉब सिक्योरिटी भी नहीं है, और साथ ही साथ जेंडर इक्वलिटी जो ये सब इनइक्वलिटी हो रही है सोसाइटी में ये भी बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है। साथ ही साथ डिग्निटी ऑफ द पुअर, पुअर लोगों को वैसा कोई सोसाइटी में डिग्निटी नहीं है। तो ये सब हमारे लिए एक बहुत बड़ा टास्क बना हुआ है, और हम लोग प्रयास करेंगे कि इस टास्क को जल्दी से जल्दी फुलफिल कर लें, ताकि क्या होगा कि इस पॉवर्टी के साइकिल से हम बहुत जल्दी बाहर निकल सके। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़े, तो वी हैव सीन दिस चैप्टर पॉवर्टी हैज मेनी डायमेंशन, नॉर्मली इट्स मेजर थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी लाइन। कई हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़े थे इसमें कि पॉवर्टी को मेजर करने के लिए सोशल साइंटिस्ट ने अलग अलग एक तरीके से डेफिनेशन दिया, अलग अलग मेजरमेंट दिया, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो पॉवर्टी लाइन एक हमारे लिए मेजरमेंट था। पॉवर्टी लाइन के ऊपर
पॉवर्टी लाइन के नीचे रहने वाले लोगों को हम लोग पुअर के सेक्शन में रखते थे, ऊपर जो लोग हैं उन्हें हम लोग पुअर के सेक्शन से बाहर करते थे, उससे जो नीचे रहने वाले लोग हैं उन्हें हम पुअर सेक्शन में रखते थे यानी पॉवर्टी में रखते थे। बट इन द रिसेंट ईयर, लेकिन वर्तमान समय में ये देखा गया कि एनालिसिस टू द ग्लोबल एंड नेशनल ट्रेंड्स हम लोग देखे, लेकिन रिसेंट ईयर में ये कहा जाता है कि एनालिसिस ऑफ पॉवर्टी बिकमिंग रिच थ्रू द वैरायटी ऑफ न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल एक्सक्लूजंस, हम लोग सोशल एक्सक्लूजन पे बात किए थे, वल्नरेबिलिटी पे बात किए थे, एंड सिमिलरली द चैलेंज बिकमिंग बिगर स्कॉलर बोर्डिंग टू कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन पॉवर्टी। लेकिन अभी भी ह्यूमन सोसाइटी के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है जो कि तभी खत्म किया जा सकता है जब पीछे हम लोग कुछ स्टेप का बात किए थे, अगर उस स्टेप पे वर्क होगा तो पॉवर्टी बहुत जल्दी खत्म हो सकती है। तुम्हारे पास इस चैप्टर में एक्स्ट्रा कुछ लिखाने के लिए मेरे पास क्वेश्चन नहीं है, ये सारे क्वेश्चन को बस तुम कर लो, ये सारे क्वेश्चन को इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये सारे क्वेश्चन को कर लेना। डिस्क्राइब द हाउ पॉवर्टी लाइन एस्टिमेटेड इन इंडिया, डू यू थिंक दैट प्रेजेंट मेथोडोलॉजी ऑफ पॉवर्टी एस्टिमेटेड टू एप्रोप्रिएट, डिस्क्राइब पॉवर्टी ट्रेंड्स इन इंडिया, डिस्क्राइब द मेजर रीजन, फिर उसके डिस्कस द मेजर रीजन, identify the social and economic groups or the most vulnerable groups, give an account in test of disparities of poverty in India, describe the global poverty trends, describe the current government strategy of the poverty elevations, uske baad fir thoda sa brief mein tumko likhne wala kuch question hai. To kya isme kisi ko koi dikkat hai chapter mein, to thoda sa bataoge humko? Yes sir. बोलो राहुल, क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत किसी को? नो सर। आदित्य, तमन, अमृता, अंकिता, अनुष्का, अंशिल, क्या नाम है, अंशिका, अंशु, कोई दिक्कत किसी को चैप्टर को समझने में? नो सर। नो सर। चलो दिव्या, धुर, ध्रुव, खुशबू, नुरैन, मुकुल, नीरज, निखिल, किसी को कोई पूरा चैप्टर समझ में आ गया? यस सर। शिवम, सोनम, साक्षी, रोशन? यस सर। चलो ठीक है, और इधर कोई दिक्कत? त्रिशला, तनु, सुशांत सर? हाँ सुशांत बोलो। नहीं दिक्कत है सर। चलो ठीक है, गुड। तो इस चैप्टर के क्वेश्चन को बना लेना, क्वेश्चन आंसर को। अब बात करते हैं हम लोग क्लाइमेट का। तो क्लाइमेट जो है ना, उसके लिए कहीं ना कहीं हमें बोर्ड की जरूरत पड़ेगी। क्यों बोर्ड की जरूरत पड़ेगी? क्योंकि उसको समझाने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। अच्छा ये बताओ कि इकोनॉमिक्स का चैप्टर हो गया कंप्लीट ना? इकोनॉमिक्स में हमने पढ़ना है, पढ़ना है। इकोनॉमिक्स में एक चैप्टर और है, फूड सिक्योरिटी इन इंडिया सर। फूड सिक्योरिटी शायद सिलेबस में नहीं है इस बार, थोड़ा देखना। तो तीन ही चैप्टर है, तीन ही चैप्टर है हमारे हिसाब से। क्या कोई कंफर्म है? फूड सिक्योरिटी नहीं है। हाँ फूड सिक्योरिटी नहीं है, वही तो पॉवर्टी तक ही था, सेकेंड टर्म में बस पॉवर्टी ही पढ़ना ही है। तो मान लो कि पॉवर्टी हमारा कंप्लीट हो गया, मान के चलो पॉवर्टी कंप्लीट हो गया, और हम लोग उधर क्या नाम था उसका, हिस्ट्री, एक बुक हिस्ट्री, हिस्ट्री का एक चैप्टर हो गया है ना, हिस्ट्री में एक चैप्टर और बचा हिटलर वाला, यही ना? यस सर। नाज़ीज़्म बचा, यही ना? और सिविक्स में, सिविक्स में एक चैप्टर और पढ़ना है शायद। यस सर। हाँ वर्किंग वाला पढ़ना है, ठीक है। और ज्योग्राफी में दो चैप्टर पढ़ना है, ज्योग्राफी में दो चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। तो ऐसा हम करते हैं, ठीक है,
कि ज्योग्राफी का जो क्लाइमेट का जो चैप्टर है ना, क्लाइमेट का चैप्टर, उस क्लाइमेट के चैप्टर को भी हम रोक देते हैं, ब्रेक कर देते हैं, ठीक है। बहुत जल्दी स्कूल खुलने ही वाला है, खुल ही जाएगा उम्मीद है ऐसा, तो उसको हम आएगा। और जिस मोड पे मीट पे ये जूम पे लेते हैं तो वो राइज नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे डायग्राम हमें बनाने पड़ेंगे एक। और दूसरा क्या होगा कि तुम लोग सवाल जो है वो प्रॉपर नहीं कर पाओगे, और सब प्रेजेंस भी सही से नहीं हो पा रहे, तो थोड़ा सा फिर हमको पढ़ाना ही पड़ेगा दूसरा बार। तो तुम लोगों के सलाह से हम ये चाहते हैं ये कर लें कि क्लाइमेट को जब ऑफलाइन मोड में आ जाएंगे हम लोग तब कंप्लीट कर लें। बाकी जो एक नेचुरल वेजिटेशन एक चैप्टर है, नेचुरल वेजिटेशन, इसको हम लोग जूम हेलो, आवाज जा रही है? हाँ सर। यस सर। तो वही किया जाए कि जो नेचुरल वेजिटेशन है ना, नेचुरल वेजिटेशन को हम लोग कर लेते हैं, ठीक है, और क्लाइमेट को ब्रेक कर देते हैं थोड़ा सा। क्लाइमेट को जब क्लास खुलेगा तभी समझ लो हमारे हिसाब से, क्या बोलते हो? यस सर। यस सर। Yes, sir. अभी करोगे yes, तो दिक्कत होगा, बहुत दिक्कत होगा, फिर दोबारा पढ़ो, बोलो सर दोबारा फिर से पढ़ाइए। तो उससे अच्छा कि क्लाइमेट को हम लोग उसी में कर लेंगे, ऑफलाइन में कर लेंगे। अमन सर कोई मतलब प्रॉब्लम तो नहीं? नो सर। नो सर। चलो तो ठीक है, इसका क्वेश्चन आंसर बना लेना, और इसका हम ये करते हैं नोट्स हम भिजवा देते हैं इसका, ठीक है, इसको कंप्लीट कर लेना, ठीक है। yes, कल हम लोग आज तो नहीं करेंगे, कल से हम लोग स्टार्ट करते हैं नेचुरल वेजिटेशन को, ठीक ना? yes, sir. चलो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।